मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में अव्वल बनाने में जुटी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार एजुकेशन के क्षेत्र में भी नए नए इनोवेशन कर रही है। आज हम जन चौपाल पर मौजूद हैं, जहां पर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जिन्हें हम शिक्षक भी कह सकते हैं, ये वो लोग हैं जो स्कूली एजुकेशन के माध्यम से बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं। तो हम यहाँ जानेंगे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किस तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में इनोवेशन कर रही है। मोहन यादव जी की सरकार ने स्कूलों में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट किया है, किस तरह से इसका फ़ायदा एजुकेशन में मिलेगा, बच्चे इससे किस तरह से लाभान्वित होंगे, किस तरह से देखते हैं, ये व्यवस्था सही है? सर, ये तकनीक बहुत ही शानदार है, AI टेक्नोलॉजी। इससे क्या है कि जिन जिन शब्दों का, जिन पॉइंट्स पर टीचर भी अपना दिमाग वहाँ तक नहीं ले जा सकते, वो सब हाईटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चे सीख पा रहे हैं। और ये स्मार्ट क्लासेस बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन देने में इम्पोर्टेंस पूरा कर रही है। और यकीनन हमारे बच्चे, जो वंचित वर्ग के बच्चे थे, जो गरीब तबके के बच्चे थे, उन बच्चों को इस शिक्षा के माध्यम से बहुत गजब का लाभ मिल रहा है। और सर, दूसरा एक और सर, मैं ये वंचित वर्ग के बच्चों के लिए एक और गवर्नमेंट का बहुत अच्छी योजना है, इस पर बताऊँगा। RT जो 25% का जो दायरा सीमित सीटों पर रखा गया है सभी प्राइवेट स्कूल के लिए, इससे जो SC ST गरीब तबके के बच्चे हैं, जो कभी भी अपने बच्चों को बुक्स अवेलेबल नहीं करा सकते, फीस अवेलेबल नहीं कर सकते, वो बच्चे स्कूल में आके पढ़ते हैं बिना फीस के, क्योंकि 25% सीटें आरक्षित हैं उन बच्चों के लिए। वो बच्चे इतना ज़बरदस्त पढ़ रहे हैं और पढ़ के उनकी बेसिक शिक्षा कम्प्लीट हो रही है, उनका नवोदय में चयन हो रहा है, दूसरे मॉडल स्कूल में चयन हो रहा है, और साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय में उनका चयन हो रहा है, उनकी शिक्षा जबरदस्त आगे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है। और इससे क्या हो रहा है, उनके पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, तो वो भी बच्चों को पढ़ाने में बहुत हेल्प कर रहे हैं, और आगे चलकर बच्चों को फिर स्कॉलरशिप की व्यवस्था है ही है, तो बच्चे बहुत आगे निकल पा रहे हैं इन योजनाओं के माध्यम से। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर प्रदेश में हाईटेक स्कूल बनाए जा रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चे विज्ञान की शिक्षा को बेहतर तरीके से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, इसके लिए 53 स्कूलों में हाईटेक कंप्यूटर लैब स्थापित किए गए हैं। हाईटेक कंप्यूटर लैब से सुसज्जित स्कूल और कक्षाओं से छात्रों को किस तरह से, विद्यार्थियों को किस तरह से लाभ मिलेगा, आप इस पर क्या बताएं? देखिए, इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि छात्रों छात्राओं को यह बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे परिवार से नहीं होते हैं, बड़े परिवार से नहीं होते हैं, जो कि ऐसी चीज़ें देख तक नहीं पाते हैं, है ना। तो अगर हम इसको छात्र के शिक्षा के क्षेत्र में देखें, तो हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा पाएंगे, उन्हें बहुत आगे तक ले जा पाएंगे, और वह बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जुड़ पाएंगे जो कि हमारे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन उन बच्चों तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा विचार है और ये किया जाए तो बहुत अच्छा। हाईटेक कंप्यूटर लैब से सज्जित स्कूल्स किस तरह से बढ़ाएंगे बच्चों को आगे, ये बताया आपके सामने। अब हम पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार सिलेबस में बड़े हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण के उस सिलेबस में शामिल किया है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, आज के जो इतिहास में बदलाव हुआ है वो बाकी काबिले तारीफ़ है, और निस्संदेह इसमें जो बदलाव हुआ है, पिछले इतिहास में जो बातें हमने जानी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम और हमारे जितने छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे जितने भी वीर सेनानी रहे, उनके बारे में जो इतिहास जानने को मिला है, उसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियां थीं, बहुत ज़्यादा गलतियां थीं, और जो नया पाठ्यक्रम आया है उससे हम अपने सच से अवगत हो पाए हैं और बच्चों को भी अवगत करा पाए हैं। इसके लिए मैं आदरणीय CM साहब को और हम सभी टीचर्स CM साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 416 स्कूलों को PM-श्री बनाया है। ये वे स्कूल हैं जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इन स्कूलों में बच्चों को ना केवल शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि उनके भविष्य को बहुत आगे ले जाने के भी प्रयास जारी हैं। बच्चे और ख़ासकर छात्राएं इन स्कूलों में जो पढ़ते हैं, उन्हें आत्मरक्षा के भी गुर सिखाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा विद्यालयों को जो भी बेहतर कराने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय हैं,
मध्य प्रदेश सरकार एजुकेशन के क्षेत्र में जो इनोवेशन कर रही है वो निश्चित ही सराहनीय है। ये हम नहीं, लगभग यहाँ पर खड़े शिक्षक जन हैं वो सभी यही मानते हैं। तो इस जब इनोवेशन के साथ हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा तो निश्चित ही हमारे यहाँ जो छात्र हैं वो भविष्य को गढ़ेंगे।